নিজেকে অনেকটা রয়্যাল রয়্যালি মনে হচ্ছিল, থাকলেও স্বাদ কিন্তু কম। 1800 সালে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর তুমি তো ট্রেন চড়তে অনেক পছন্দ করো এবং ট্রেনের ভিডিও তোমার অনেক ভালো লাগে, তাই আজকে ট্রেনের ভিডিও দেখছি এবং সেটা একটু ডিফারেন্ট। আজকে যে ট্রেনের ভিডিওগুলো দেখব সেগুলো হচ্ছে লাক্সারিয়াস ট্রেন। আর ভিডিওর টাইটেল লাক্সারিয়াস ট্রেনে ঘোরাবে। এইসব ট্রেনে ঘোরার জন্য কি পরিমাণ খরচ লাগে সেটা আসলে ভিডিওতে দেখা যাবে। তো আজকে যে ভিডিও দেখছি সেই ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে টপ 10 মোস্ট লাক্সারিয়াস ট্রেন ইন ইন্ডিয়া। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল টপ 10 হিন্দি থেকে। ওনাদের ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে অরিজিনাল ভিডিওটি সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। ইন্ডিয়া কি টপ 10 লাক্সারি ট্রেনস, ট্রেন সে ভাগ কর উতরনা ইয়া দীপিকা দৌড়াচ্ছে, খতরনাক হে, সাবধান রহে, সুরক্ষিত রহে। আখরি বার আপনে ট্রেন কা সফর কব কিয়া থা? আপকা আপকে আপনে চ্যানেল টপ 10 পর এক বার ফির সে তহে দিল সে স্বাগত হ্যায়। আজ হম বাত করেঙ্গে ইন্ডিয়া কি টপ 10 এসি লাক্সারি ট্রেনস কে বারে মে জিনকা সফর করকে আপকো রাজাও মহারাজাও সা মহসুস হোগা। না সির্ফ ইয়ে ট্রেনস ভারত কি শান হ্যায় বলকি ইনকা নাম দুনিয়া কি সবসে লাক্সারিয়াস ট্রেনস মে গিনা জাতা হ্যায়। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। चलिए शुरू करते हैं। किडनी बिक्री करो जनों तो ये था। हेरिटेज ऑन व्हील्स, इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। 9. पंज तख्त दर्शन ट्रेन, ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है, जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नामदेव साहिब का क्या, तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी ना कहा जाए, लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8. महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है, उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है, इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। 7. रॉयल ओरिएंटल ट्रेन, रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है।
जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई। ब्रिटिश राजा समय 1855 से चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5-स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, हर तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय खुली है। एहसास कीजिए कि 5-स्टार होटल का जो कुछ भी वहां होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। 6. फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं, तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। 1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है, और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है, और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं, और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम भी है। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई शक नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन का खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है। गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है, और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 रुपए है, और गोल्डन चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सदर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। 4. डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन्स में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा के बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में डीलक्स कैबिन 4,20,000 से शुरू होते हैं, और प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 9,24,000 है। तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3. पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नकाशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौर होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक व्यक्ति के सफर का किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। राजस्थान ऑन व्हील्स, भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत 3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के गंगा घाटों तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को देखने का एक अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन है। अच्छा, अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। एक महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई आधा मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन्स में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, एलईडी टीवीज, डीवीडी प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं, और अगर इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां केवल सबसे बेहतरीन कलेक्शंस को रखा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। तो क्या आप भी इन ट्रेन्स में से किसी पर सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवेज इन लग्जरी ट्रेन्स के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखिए हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स। তবে কিছু ট্রেনে অবশ্যই চড়তে পারবো, সেই পরিমাণ সাধ্য তো আছে না। তারপর আমার কাছে মনে হয় যে মানুষের একবার হলেও ট্রাই করা উচিত, ঘোরা উচিত এগুলো ট্রেনে। হ্যাঁ, এখন সেটা তার সামর্থ্য অনুযায়ী। হ্যাঁ, তুমি চাইলেই তো এখন মহারাজা এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটটা নিতে পারবে না। সেটা ঠিক, এত টাকা আর এত টাকা খরচ করে ট্রেনে উঠবো? এখানে কিছু সবগুলো ট্রেনে কিন্তু টুরিস্টদেরকে আকর্ষণ করার জন্য করা হয়েছে এবং টুরিস্ট প্লেস যদি শেষের দিক থেকে বলো তাহলে হেরিটেজ অন হুইল এই ট্রেনটা অনেক সুন্দর ছিল, মোটামুটি অল্প প্রাইজের মধ্যে, এবং এই প্রাইজের মধ্যে দিয়ে আসলে সবাই মোটামুটি মুভমেন্ট করতে পারবে। এবং পরের যে দুইটা ট্রেন ছিল সে দুটো কিন্তু আসলে লাক্সারি না, বাট এই দুটো হচ্ছে যেমন মাঝখানে যেটা হচ্ছে পঞ্চতত্ত্ব দর্শন, তো এই ট্রেনটা যেমন হচ্ছে তোমার গুরুদুয়ারগুলো যে দেখায়, যে মানে পাঞ্জাবের যে ফিলিংসটা বলছে যে তাদের ট্রেডিশনাল যে ফিলিংসটা তারা সেটা পাবে, তো এটা 5টা গুরুদুয়ারের সামনে দিয়ে যাবে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা তাদের জন্য অনেক বড় একটা মানে সুখবর বলবো, যে যারা দেখতে চায় আর কি তারা একবারেই সব কিছু ঘুরে দেখতে পারলো। আরেকটা ট্রেনের কথা আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে মহাপরিনির্বাণ, যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে ছেড়ে দিল্লি থেকে সম্ভবত ছেড়ে সেটা হচ্ছে নেপাল আগ্রা পাটনা হয়ে তারপর নেপাল যাচ্ছে। তো এটাও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, কারণ আমার কাছে বুদ্ধের জায়গাগুলো দেখার খুব শখ আছে, তো সে কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে যে না এটা দিয়ে তোমার সেই ইচ্ছাটা কভার হয়ে যাবে, কভার হয়ে যাবে, ঘুরে 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 দেখতে 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 যাওয়া যাবে। তবে জানি না, তারা বলছে যে তারা ইন্ডিয়ানরা ছাড় পায়, তো আমাদের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো ছাড়টা থাকবে কিনা জানি না। আর রয়্যাল ওরিয়েন্টাল যে ট্রেনটা ছিল সেটাকে কিন্তু দেখে নিজেকে অনেকটা রয়্যাল রয়্যালি মনে হচ্ছিল। ট্রেনটা আসলে অনেক লাক্সারিয়াস এবং ভিতরটা অনেক সুন্দর, এবং প্রাইস তো মোটামুটি এটা কমই ছিল, কমই ছিল, পার ডে তোমার 8,000 টাকা। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তাদের যে
5 স্টার হোটেলের যে খাবার দাবার বা ফ্যাসিলিটি যা কিছু ছিল তারা কিন্তু সবকিছু সেখানে প্রোভাইড করছে, তো সেই তুলনায় 8000 টাকা পার ডে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কমই। ফেরি কুইন যে ট্রেনটা ছিল এটা তো আসলে একটা বগি ছিল, এটা সপ্তাহে চলে দুই দিন, এটা অনেক কম প্রাইজের, কিন্তু এই ট্রেনটা মাসে মাত্র দুই দিন চলতেছে, সেই ক্ষেত্রে এই ট্রেনটা বুক করার ক্ষেত্রে আসলে খুব কঠিন, করার ক্ষেত্রে কঠিন ঠিক আছে, কিন্তু এটা তো আসলে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র মনে হয় যে একটা পার্কে নিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ পার্কের ভিতর দিয়ে মুভমেন্ট করবে যেখানে হচ্ছে পশু পাখি থাকবে, নেচার থাকবে, এই নেচারকে দেখানোর জন্য এই ট্রেনটা। অবশ্যই এটা একদিনের ট্রাভেল হবে এরকম কিছু একটা, কিন্তু এই ট্রেনটা তোমার কি মনে আছে যে এই ট্রেনটা কিন্তু বলেছে যে 1800 সালের দিকে এই ইঞ্জিনটা তৈরি, অনেক পুরনো, হ্যাঁ সেই কারণে হচ্ছে এটা আবার নাকি গিনেস বুকেও নাম নাম করা, তো সব মিলা এটা অনেকেই চাইবে যে এটা হেরিটেজ, হেরিটেজের একটা ব্যাপার আসলে, এটা গিনেস বুকে নাম করা, তো সেখানে চড়তে চাইবে অনেকে। তাছাড়া ডেকান ওডিসি ট্রেনটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল, অনেক সুন্দর ছিল। প্যালেস অন হুইল, এটা তো টোটালি একটা প্যালেস, এটাকে নিয়ে কি বলবো, হ্যাঁ এখানে এত লাগজারি প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি, হ্যাঁ রাজস্থান অন হুইলের প্রাইসটা কিন্তু অনেক বেশি, হ্যাঁ এবং রাজস্থান অন হুইল তো অনেক সুন্দর। লাস্টে তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে তিনটা বলেছে যেগুলো রাজস্থান এবং মহারাজা এবং যেটা হচ্ছে প্যালেস অন হুইল, এই তিনটাই হচ্ছে অনেক প্রাইজের, এবং এটাই আসলে সেই জন্যই তো এটা হচ্ছে টপ টেন এর মধ্যে র্যাঙ্কিং 1-3 এর মধ্যে আছে। হ্যাঁ এটা এফোর্ড করা আসলে সবার দ্বারা সম্ভব নয়, তো আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো যদি আসলে উনি যেটা বললো ভিডিওর লাস্টে যে প্রাইস কমানোর চিন্তায় আছে, কমানো উচিত, একটা ট্রেন 16 লাখ টাকা পর্যন্ত যাচ্ছে তো সেটা কমানো উচিত, একটা ট্রেন 9 লাখ টাকা পর্যন্ত আছে, একটা 7 লাখ টাকা পর্যন্ত আছে, তো প্রাইসটা আসলে অনেক বেশি, অনেক বেশি মানুষের এফোর্ড করার ক্ষমতার বাহিরে, সাধারণ মানুষের বাহিরে, তো মনে হয় যে আরেকটু কমালে হয়তো অনেক মানুষই আরো বেশি যাত্রী যেতে পারতো, এবং তারা ইচ্ছা করবে যে মুভমেন্ট করার জন্য, অনেক বেশি টুরিস্ট আকর্ষিত হবে, এবং অনেকে আছে বাইরের দেশ থেকে এসে কিন্তু সবাই যে চায় যে খুব হাইফাই ভাবে থাকবে বা সবার ওই এফোর্টটা হয় না, টাকা খরচ করবে বা আজ তুমি যেটা বলছো যে সবার ওই এফোর্টটা হয় না, আসলে তাই সবাই আসলে করতে পারবে বা করে এরকম না, হয়তো যখন একটু কমে যাবে তখন আসলে কেউ 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 চান্স নেবে আমাদের মতো। তো যাই হোক ওভারঅল ভিডিওটা অনেক সুন্দর ছিল এবং অনেক মজার ছিল এবং অনেক কস্টলি ছিল, যারা খরচ করতে চায় তারা তো আসলে অনায়াসে এখানে খরচ করতে পারবে, আর যাদের ইচ্ছা আছে তাদেরকে আসলে টাকা জমাতে হবে ভবিষ্যতে খরচ করার জন্য। তো আশা করি আজকে আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।